हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये क्लास ट्वेल्थ का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम ले रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, और ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर नंबर 2 है। तो बच्चों, इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व हम कर रहे हैं, और इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। जो क्वेश्चन टफ है उस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, और इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अब जो एक्सरसाइज 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। वेरी इजी प्रॉब्लम है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0। लाइन का स्लोप क्या है? 0। विच आर टेंजेंट टू द कर्व, जो इस कर्व पे क्या है? टेंजेंट है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या है बच्चों? 0। स्लोप को हम कैसे लेते हैं? dy बाई dx, राइट। चलो तो फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसका सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन, ओके। तो कर्व, तो बच्चों कर्व आपको गिवन है y इज इक्वल टू 1/(x²−2x+3)। ठीक, अब इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन। सो dy/dx, राइट। चलो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, x²−2x+3(−1)। ठीक है ना, इस पर (-1). चलो इसको सॉल्व करूँ, -1 बाहर आ जाएगा, x²−2x+3(-2) इनटू, अब इस फंक्शन का अगेन करो, x²+2x-2, राइट। सो यू कैन राइट, इसको क्या लिख सकते हो? -2। ठीक, -2 यहाँ से कॉमन ले लो, x−1/(x²−2x+3)2। ठीक, ये -2 था, नीचे आ जाएगा +2। ओके बच्चों, ये हो गया dy/dx, ओके। स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या गिवन है आपको? 0। तो इसे इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0। ठीक, अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से मिल जाएगा x=1। ठीक है, देखो सॉल्व करोगे x=1, राइट। अब ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो x=1 यहाँ पुट करो कर्व के इक्वेशन में। चलो x=1 पुट करोगे तो y क्या मिल जाएगा? देखो y, राइट। तो यहाँ y मिलेगा, देखो 1-2, देखो ये हो जाएगा 4-2, दैट इज़ अ 1/2, ओके। सो 1/2, x=1 पुट करने पर आपको मिल रहा है y=1/2। ठीक, तो यहाँ पॉइंट आपको मिल गया 1/2। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिससे टेंजेंट पास कर रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पर कर्व पर ये टेंजेंट है, दिस। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लेते हो? y−y1 dy/dx x−x1। सो y−y1 1/2 = स्लोप क्या है? 0 इंटू x−1, ओके बच्चों। तो ये टर्म 0 हो गया, सो y−1/2। सो इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स ये आपका इक्वेशन हो गया, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, ये आपका इक्वेशन हो गया, राइट बच्चों। सो इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, ये लाइन का इक्वेशन हो गया हु स्लोप, जिसका स्लोप 0 है, ठीक, एंड विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व, जो इस कर्व पर टेंजेंट है, राइट। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन हो गया, वेरी इजी सोल्यूशन था इसका, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ से। नाउ अब क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन इसको, ठीक। अब देखो यहाँ पर गिवन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व क्या गिवन है? x²/9+y²/16=1। ये कौन सा कर्व है? ये है एलिप्स, राइट ना, एलिप्स, ओके।
एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो बच्चों क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड सेकेंड केस क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई वाई एक्स वाई एक्सिस क्या लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक, दोनों केस डील करते हैं। तो बच्चों कर्व, कर्व आपको ये गिवन है राइट। तो पहले तो हम इसका स्लोप लेते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स कैसे लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करो एक्स के अबाउट राइट। चलो एक्स स्क्वायर टू एक्स बाई नाइन प्लस वाई स्क्वायर टू वाई अपॉन सिक्सटीन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, चलो अब यहाँ से देखो टू वाई बाई सिक्सटीन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स बाई नाइन। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू से टू कैंसिल हो गया यहाँ से, दैट इज माइनस सिक्सटीन बाई नाइन एक्स बाय वाई। देखो ये ओके सिक्सटी माइनस सिक्सटीन एक्स अपॉन नाइन वाई राइट। ये आपके क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, चलो फर्स्ट केस लो यहाँ से, फर्स्ट केस टेंजेंट क्या है, टेंजेंट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बच्चे एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, तो एक्स एक्सिस पैरेलल मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, याद है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन एक्स अपॉन नाइन वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो होगा, दैट मीन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो सॉल्व करो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो राइट ना, ये कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा दिस। ओके, सो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे वाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन इज इक्वल टू वन, ध्यान देना एक्स इक्वल टू जीरो मिल गया यहाँ पर, तो ये कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो, सो वाई वाई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा प्लस माइनस फोर राइट। तो पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट हो जाएगा पॉइंट्स जीरो प्लस माइनस फोर। ठीक है, तो कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस राइट ना, कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट। सेकेंड लो, सेकेंड केस लो, सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या बच्चों, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, या इसका उल्टा ले लो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस, या बोलो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। सो आप देखो डी वाई बाई डी एक्स हमने ये फाइंड आउट किया है, इसको रिस्प्रोकल ले लो नाइन वाई अपॉन सिक्सटीन एक्स इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो। ठीक, अब एक पॉइंट यहाँ मिल गया, इस पॉइंट को कर्व पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो वाई इक्वल टू जीरो पढ़ करोगे एक्स स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू वन, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। ठीक, सो पॉइंट्स क्या मिल गया आपको, पॉइंट्स प्लस माइनस थ्री कॉमा जीरो। ओके बच्चों, इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो ये ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें फाइव पार्ट्स हैं, ठीक, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। बट इसमें देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक, टू द गिवन कर्व एट इंडिकेटेड पॉइंट। पॉइंट आपको गिवन है, कर्व गिवन है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, डीवाई बाई डी एक्स निकालो, पॉइंट को पुट करो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो, उसके बाद स्लोप का नॉर्मल फाइंड, नॉर्मल का स्लोप लो और फिर इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ पार्ट। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है तो ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम सॉल्व करते हैं राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का बी फिफ्थ पार्ट। ठीक, फिफ्थ पार्ट,
तो x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी एट x इज टी इज इक्वल टू पाई बाई फोर। तो बच्चों ये गिवन है x इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी, टी क्या गिवन है आपको पाई बाई फोर। ठीक, चलो पहले dy बाई dx निकालते हैं। कैसे निकालेंगे यहाँ पर, dx बाई dt ले लो, क्या है माइनस साइन टी, फिर dy बाई dt ले लो दैट इज अ कॉस टी। ओके, सो dy बाई dx इज अ dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ठीक, अब चलो यहाँ से लो, दिस इज द कॉस टी एंड माइनस साइन टी, सो माइनस कॉस टी क्या होगा कॉट टी, माइनस कॉट टी। अब ये किस पे निकाल रहे हो, एट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, चलो यहाँ पुट कर दो माइनस कॉट पाई बाई टू। ठीक, तो बच्चों ये क्या होता है, ये होता है ज़ीरो। ठीक, ओके, सो ये आपका होता है ज़ीरो। अब पॉइंट, पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट आपको कहाँ से मिलेगा, देखो x की वैल्यू cos t, y इक्वल टू साइन t, तो t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, cos pi बाई फोर एंड sin pi बाई फोर, ये पॉइंट हो गया। सो पॉइंट वन बाय रूट टू एंड वन बाय रूट टू। ठीक, ये कर्व का पॉइंट हो गया जिस पे आप टेंजेंट एंड नॉर्मल ले रहे हो। ओके, तो स्लोप आपको मिल गया, दिस इज द स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक बच्चों, अब ये ले लो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस वाई वन, y1 क्या है वन बाय रूट टू। ठीक, यहाँ क्या लोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या गिवन है ज़ीरो इन टू एक्स माइनस, ठीक है x माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है वन बाय रूट टू। ओके, तो बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस वन बाय रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसी तरह देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लेते हैं, y माइनस वाई वन, राइट ना, y माइनस वाई वन, तो y1 क्या है वन बाय रूट टू इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बच्चों, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वन बाय ज़ीरो एक्स माइनस एक्स वन क्या है वन बाय रूट टू। ठीक, अब इसको देखो इस ज़ीरो को इधर मल्टीप्लाई करोगे सो एक्स माइनस वन बाय रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो, देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, देखो यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है ज़ीरो, तो माइनस डी एक्स अपॉन ज़ीरो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वन बाई ज़ीरो, राइट। अब इसको इस साइड में देखो ये ज़ीरो को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो दैट मीन ये मिल जाएगा आपको माइनस वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके बच्चों, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, ऐसा, ओके, तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन, राइट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ओके, ऐसा गिवन है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस कर्व का टेंजेंट का जो स्लोप है वो इक्वल टू क्या है y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है। ठीक, ओके, तो चलो यहाँ से ले लेते हैं लेट, लेट हम ले लेते हैं लेट, लेट पॉइंट्स x1 y1
ऑन द कर्व। ठीक, ये तो हमने पॉइंट ले लिया जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हो इस कर्व पर, ये पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया। ठीक, ओके, अब इसका हम स्लोप लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यू, सो डी वाई बाई डी एक्स ले लो, क्या हो गया 3x2। अब ये किसे ले रहे हो, किस पॉइंट पे ले रहे हो, दिस पॉइंट पर, सो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। तो बच्चों ये क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलो यहाँ पुट करूँ x1 y1, तो x प्लेस में पुट कर दो x1 square, देखो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के y कोऑर्डिनेट, यानी ये इक्वल टू क्या हो गया y1 दिस। ठीक, सो देखो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया 3x1 square इक्वल टू y1 ऐसा, राइट। अब दो अननोन है यहाँ पे x1 y1, तो दो इक्वेशन मिलने चाहिए, ओके। एक इक्वेशन आपको ये मिल गए, दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, देखो ये पॉइंट, ये ऑन द कर्व है तो कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, सो दैट मीन यहाँ पुट कर दो, सो y1 = x1 cube। देखो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कर लो, सो 3x1 square इज इक्वल टू y1 की वैल्यू पुट करो, y1 x1 cube, सो 3x1 square माइनस x1 cube इज इक्वल टू 0। x1 square कॉमन ले लो, 3 - x1 इज इक्वल टू 0, ओके बच्चों। तो यहाँ से पॉइंट क्या मिल गया, x1 = 0 एंड x1 = 3, देखो ये पॉइंट्स मिल गए, ओके, x1 = 0, x1 = 3। अब x1 = 0 पुट करोगे तो बच्चों y1 क्या मिल जाएगा यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग, देखो यहाँ पर x1 को 0 रखोगे, y1 0, ठीक। यहाँ पर x1 की वैल्यू 3 पुट करोगे, 3, तो y1 क्या मिल गया 27, राइट। सो यहाँ बच्चों पॉइंट्स क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 0 0 एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा 3 27, देखो, ओके 3 27। राइट, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी प्रॉब्लम था, आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 22। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो मैं नहीं ले रहा हूँ वो क्वेश्चन इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am² am³ फॉर द कर्व ay² = x³। अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना बच्चों, तो पॉइंट आपको ये गिवन है, ठीक है, कोई नंबर के फॉर्म में नहीं दिया है, इस फॉर्म में गिवन है, ओके। चलो तो फाइंड आउट करते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम है, 20 सॉल्यूशन, ओके। देखो कर्व क्या गिवन है, ay² = x³, ठीक। चलो पहले तो इसका dy/dx निकालते हैं, सो ए तो कॉन्स्टेंट है, y² 2y dy/dx इज इक्वल टू क्या है 3x², सो dy/dx इज इक्वल टू 3x² अपॉन 2ay, ओके बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू 3x² अपॉन 2ay। अब देखो यहाँ पर किस पॉइंट पे आपको निकालना है, dy/dx एट am² am³ इस पर फाइंड आउट करना है, ठीक। चलो तो x की वैल्यू क्या है am² y की वैल्यू am³, चलो पुट करो यहाँ से 3, ओके a² m² देखो स्क्वायर कर रहे हो ना, पावर 4 अपॉन 2a, अब ध्यान देना ये y है, y की वैल्यू am³, राइट, ओके। चलो अब सॉल्व करते हैं यहाँ से, देखो a² से a² कैंसिल, राइट 3/2 और m का एक पावर कैंसिल, देखो m
थ्री बाई टू एम। तो बच्चों ये है आपका स्लोप ऑफ, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये होता है ना, ठीक। माइनस साइन के साथ टेंजेंट को का रेसिप्रोकल ले लो, सो दिस इज द माइनस। अब लुक यहाँ से, इसका रेसिप्रोकल टू अपॉन थ्री एम, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है डी वाई बाई डी एक्स, इसको रेसिप्रोकल ले लो विद नेगेटिव साइन, तो इसका रेसिप्रोकल बच्चों क्या हो जाएगा विद नेगेटिव साइन, माइनस टू अपॉन थ्री एम। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई माइनस, ठीक, ए एम क्यू, ये वाई वन है स्लोप, माइनस टू अपॉन थ्री एम, एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, ठीक, ये वाई वन और ये एक्स वन, ठीक। नाउ अब इसको सॉल्व करिए यहाँ से, चलो मल्टीप्लाई करो, थ्री एम वाई माइनस ए एम, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे थ्री ए एम पावर फोर इजिक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस टू ए एम स्क्वायर, ऐसा, ठीक, ऐसे। अब इस पार्ट को देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, ये इधर से अलग है, ये अलग है, ठीक, ऐसे, ओके। अब देखो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस टाइम में, ठीक, यहाँ से, तो माइनस टू एक्स को इस साइड में ले जाओ, टू एक्स प्लस थ्री एम वाई, ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री एम वाई, इस पार्ट को इस साइड में ले जाओ, थ्री ए एम पावर फोर प्लस टू ए एम स्क्वायर, ओके बच्चों, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके, ये आपका होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन लेते हैं, 22, राइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एट द पॉइंट ए टी स्क्वायर एंड 280। तो सिंपल है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ठीक, तो पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, सो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फोर ए, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो क्या बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, दिस इज द टू ए बाई वाई, ठीक। अब यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे ले रहे हो, एट ए टी स्क्वायर एंड 280 इस पॉइंट पर, ठीक। चलो इसको पुट कर दो, टू ए, तो देखो वाई, वाई की वैल्यू है 280, यहाँ से कैंसिल हो गया 1/t, राइट, 1/t। तो बच्चों ये क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब लिख लो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, वाई माइनस वाई वन, वाई वन देखो ये पॉइंट 280 इजक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t एक्स माइनस एक्स वन ए टी स्क्वायर, राइट, इसको मल्टीप्लाई करो, वाई टी माइनस 280 स्क्वायर इजक्वल टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर, ठीक। इसको इस साइड में ले जाओ, ठीक, इसको इस साइड में, तो देखो एक्स माइनस वाई टी, एक्स माइनस वाई टी इसको इस साइड में ले जाओ, प्लस 80 स्क्वायर इजक्वल टू जीरो। बच्चों ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो, देखो ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया ये, राइट। अब यहाँ से ले लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बच्चों क्या होता है वाई माइनस वाई वन, वाई वन 280। अब स्लोप बताओ, स्लोप क्या होता है? ओ ये गिर गया, ओके। अब देखो यहाँ से एक स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 1/t, ठीक। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, इसका रिसिप्रोकल करो विथ नेगेटिव साइन। तो इसका रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, t और विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस टी एक्स माइनस एक्स वन क्या गिवेन है 80 square, राइट। चलो तो यहाँ से लो y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 80 cube, ठीक, ओके। सो y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स, चलो इसको यहाँ से ले जाओ 80 cube प्लस 280, राइट, ओके बच्चों। देखो ये मिल जाएगा आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आई थिंक बच्चों ये इजी प्रॉब्लम था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स। देखो एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो भी ठीक है, दो कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच एंगल क्या होगा, राइट। सो देखो जैसे मान लो ये कर्व है, एक कर्व हमने ऐसे ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, एंड एक कर्व हमने ऐसे ले लिया y इक्वल टू जी एक्स। अब ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सपोज करो इसको हमने ले लिया पी एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, ओके। तो बच्चों दो कर्व के बीच अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो कर्व के बीच में जो एंगल होता है सेम वही एंगल होता है जो उस पॉइंट पर उनके टेंजेंट के बीच में एंगल होता है, राइट। देखो अगर मान लो इसके इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ध्यान देना ये कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, सपोज करो हमने यहाँ पर टेंजेंट इस तरह ड्रॉ कर दिया, देखो ये हमने टेंजेंट ले लिया, सपोज करो दिस इज द टी वन, इसका स्लोप क्या है एम वन, राइट, ओके। और ये क्या है स्लोप, तो इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप को हम कैसे लिखते हैं, इसके स्लोप को हम लिखते हैं डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, इस कर्व का ले रहे हैं ना, तो इस फंक्शन इस कर्व का डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पर, एट पॉइंट पी, ओके। तो दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। अगेन देखो अब इस कर्व पर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हैं, देखो टेंजेंट ऐसे होगा ऐसा, ठीक, इसको हमने ले लिया टी टू, इसका स्लोप हमने ले लिया एम टू, ओके। तो बच्चों एम टू कैसे मिलेगा आपको, एम टू इज इक्वल टू इस कर्व का डिफरेंशिएशन डी जी एक्स अपॉन डी एक्स एट किस पॉइंट पे, एट पॉइंट पी पर, ठीक। सो एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, कर्व्स इफ इंटरसेक्टिंग, राइट, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज सेम, सेम एज एंगल बिटवीन, बिटवीन देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन, ओके बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेंजेंट होगा उनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक। आप दो कर्व ले लो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट ड्रॉन कर लो, तो उस टेंजेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, राइट। सपोज कर ये एंगल हमने ले लिया थीटा, अच्छा यहाँ हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, यहाँ पर
यहाँ हम ले रहे हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल देखो ठीक है, इज सेम एज द एक्यूट एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके तो यहाँ पे देखो दो एंगल फॉर्म होंगे ना, एक एक्यूट बनेगा तो ऑब्वियसली एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, बट हम यहाँ पर एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं ठीक। तो सपोज करो अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज अ थीटा राइट ना, ये एंगल थीटा है और ये क्या है एक्यूट एंगल है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा ठीक है। आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, देखो अगर एक स्ट्रेट लाइन आपको ये गिवन है एल वन, इसका स्लोप एम वन है, और एक स्ट्रेट लाइन एल टू है, इसका स्लोप है एम टू, और इनके बीच में एक्यूट एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला आपने स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा था, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, देखो राइट, दिस इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, टेंजेंट क्या एक लाइन है उसके बीच में, सेम यही फॉर्मूला वैलिड होगा राइट। अब इसमें कंडीशन क्या, देखो एक कंडीशन है यहाँ पर, इफ कर्व्स कट एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, अगर कर्व जो है एट राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। अच्छा राइट एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनली ठीक है। कर्व के केस में देखो ये ठीक है वर्ड भी बहुत यूज होता है ऑर्थोगोनली, इसका मतलब क्या होगा, कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, दोनों कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी उनके टेंजेंट के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री। तो बच्चे इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। देखो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री का मतलब 10 90 डिग्री इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कब होगा जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, डिनोमिनेटर क्या है वन प्लस एम वन एम टू, इसको जीरो करोगे सो एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन ठीक। सो इफ कर्व कट एट राइट एंगल या ऑर्थोगोनली तो देखो ये यूज करोगे एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन। ओके बच्चों तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रूव दैट कर्व्स एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k square is equal to 1, ओके 8k square is equal to 1, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन है एंगल बिटवीन टू कर्व्स ठीक है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके चलो तो फाइंड आउट करते हैं इसे, तो सॉल्यूशन लेते हैं ठीक। अब कर्व आपको गिवेन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के, दो कर्व राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, तो आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। चलो तो लेते हैं यहाँ देखो x इक्वल टू वाई स्क्वायर ठीक। तो सपोज करो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स इज एक्स वन वाई वन। देखो हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर लिया ठीक है, दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है एक्स वन वाई वन। अब चलो कर्व ले लो x इक्वल टू वाई स्क्वायर राइट, देखो ये कर्व है सपोज करो ये कर्व है ऐसा, ये है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और ये है एक्स वाई इक्वल टू के और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको P हमने एज्यूम कर लिया एक्स वन वाई वन राइट। अब इसके बीच में हम क्या लेंगे, इसका टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देखो टेंजेंट ये हमने टेंजेंट टी वन ले लिया इस कर्व पर, ये टेंजेंट हमने ले लिया टी टू इस कर्व पर। ओके चलो तो सपोज करो इसको टी टू ले लो इसको टी वन राइट चलो तो पहले हम इसका लेते हैं इस कर्व पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, कैसे लेंगे डीवाई बाई डीएक्स निकालो, सो टू वाई ठीक है, देखो यहाँ से लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सो टू वाई डीवाई बाई डीएक्स
इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, वन, राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू वाई। ओके बच्चों, अब किस पॉइंट पे ले रहे हैं, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन इज वन अपॉन टू वाई वन। ठीक, देखो ये मिल गया आपको, राइट। अब इसको सपोज कर लो, इसको हम ले लेते हैं m1, दिस इज द m1, ओके। इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप हमने ले लिया m1, राइट। चलो अब इसका लेते हैं यहाँ से। अब देखो ये कर्व x y इक्वल टू k, राइट। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो x dy वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, वन का जीरो, वन का सॉरी एक्स का वन और के का जीरो। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स। अब किस पॉइंट पे ले रहे हो, एट एक्स वन वाई वन, एट एक्स वन वाई वन जैसे माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन। ओके बच्चों, इसको हमने ले लिया एम टू, इसको हमने यहाँ पर ले लिया एम टू, राइट। यस सर, ओके दिस। अब देखो यहाँ से क्या है, ये दोनों कट कर रहे हैं राइट एंगल पर, तो इसका मतलब इनका स्लोप का प्रोडक्ट एम वन एम टू, एम वन एम टू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन। ठीक है, स्लोप ऑफ प्रोडक्ट हो गया माइनस वन, राइट। चलो यहाँ से वैल्यू पुट करो, तो एम वन की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू वाई वन इन टू, एम टू की वैल्यू क्या है, माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन इक्वल टू माइनस वन। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई वन से वाई वन कैंसिल, एक्स वन इक्वल टू वन बाई टू। देखो एक्स वन इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है, एक्स वन इक्वल टू वन बाई टू। ओके, तो एक्स वन इक्वल टू आपको मिल गया वन बाई टू। अब देखो ये जो पॉइंट है एक्स वन वाई वन, ये दोनों कर्व पर लाई कर रहा है, तो दोनों कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। चलो तो यहाँ अगर हम पुट करें, ठीक, देखो एक्स वन इक्वल टू वाई वन स्क्वायर, ये वन हो गया, और यहाँ पुट करें तो एक्स वन वाई वन इक्वल टू के, ये हो गया सेकेंड, राइट। ये तो बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब देखो अगर y1 की वैल्यू हम यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दें, y1 की वैल्यू हम ले लें यहाँ पर k बाई एक्स वन, वाई वन की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से लिया k बाई एक्स वन, इसको हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स वन इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन एक्स वन स्क्वायर, देखो ऐसा, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ अ के वन क्यू इक्वल टू के स्क्वायर, के वन क्यू इक्वल टू, अब एक्स वन की वैल्यू क्या है, वन बाई टू, तो वन बाई टू मतलब वन बाई एट इक्वल टू के स्क्वायर, देखो ठीक है ना, एक्स वन की वैल्यू वन बाई टू, तो वन बाई टू यहाँ पुट कर दिया, तो वन बाई टू का क्यूब क्या होगा, वन बाई एट। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, एट के स्क्वायर इक्वल टू वन, देखो ठीक, एट के स्क्वायर इक्वल टू वन दिस, ठीक है ना, ओके। देखो यहाँ से दोनों राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो m1 m2 दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस है, m1 m2 इक्वल टू माइनस वन। m1 आपको क्या किया गिवन है, वन अपॉन टू वाई वन, वन अपॉन टू वाई वन। m2 क्या गिवन है, माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन, सो माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन। यहाँ से वाई वन कैंसिल हो गया, माइनस वन माइनस और माइनस कैंसिल, सो एक्स वन इक्वल टू वन बाई टू, एक्स वन की वैल्यू मिल गई। अब देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो एक्स वन इक्वल टू वाई वन स्क्वायर और एक्स वन वाई वन इक्वल टू के। अब इक्वेशन टू से हमने वाई वन की वैल्यू ले ली, के बाई एक्स वन सॉरी क्यों लिया यहाँ से, क्योंकि हमें एक्स वन की वैल्यू पता है वन बाई टू, एक्स वन की वैल्यू नोन है, तो वाई वन की वैल्यू हमने इक्वेशन वन में पुट कर दिया। देखो एक्स वन इक्वल टू वाई वन की वैल्यू के अपॉन एक्स वन, सो के स्क्वायर अपॉन एक्स वन स्क्वायर, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स वन क्यूब इक्वल टू के स्क्वायर, राइट। अब एक्स वन की वैल्यू हमने पुट कर दिया वन बाई टू,
सो 1/8 इज इक्वल टू के स्क्वायर, सो 8k² इज इक्वल टू 1। देखो यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट 3x-2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x-2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा देखो इस तरह का क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, चलो तो बट अब एनसीईआरटी का जो ये एक्सरसाइज है इसका हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक, ओके तो चलो, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम एक बार फिर से ठीक है सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 वेरी इजी प्रॉब्लम है। ठीक, सिंपल है, क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करो dy/dx, राइट ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, इस लाइन के पैरेलल है तो इसका स्लोप फाइंड आउट कर लो, इसके dy/dx को इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल कर लो। ठीक, सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। x की वैल्यू अगेन कर्व में पुट कर देना तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x-2, पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं dy/dx, इसको क्या लिखोगे 3x-2 power 1/2। सो dy/dx क्या बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। चलो सॉल्व करो, 1/2 बाहर आएगा, 3x-2 1/2, फिर -1 होगा, दैट इज -1/2 इनटू 3x-2 को अगेन डेरिवेटिव करोगे 3x का 1 और 2 का 0। सो इसे हम लिख सकते हैं 3/2 अंडर रूट, देखो ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो power 1/2 हो जाएगा अंडर रूट 3x-2। तो ये हो गया dy/dx, राइट। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये किसके इक्वल है, इस पैरेलल है इस लाइन के। ठीक, 4x-2y + 5 इसके पैरेलल, ठीक, इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चों, स्लोप कैसे लेते हो, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। याद है क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था इसे, तो माइनस एक्स का कोफिशियंट क्या है 4, वाई का कोफिशियंट -2, दैट इज अ 2। ओके, सो दोनों क्या है, देखो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। सो यहाँ से इक्वल कर दो 2। ठीक, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, 3 = 4√3x-2। अब रूट है तो होल स्क्वायर करो, सो 9 = 16 3x-2, सो 9/16 + 2 = 3x। ठीक, चलो ये हो गया 32, 41/16 = 3x। देखो ऐसा, ठीक है ना, देखो कैलकुलेशन सही किया है, इसे मल्टीप्लाई किया, देखो ये 4 और ये -2, दैट इज़ अ 2। ठीक, फिर मल्टीप्लाई किया 9/16 3x-2, सो 9/16 प्लस 2 को इस साइड में ले जाओगे तो ये आपका हो गया 32 + 9 = 41। सो x = 41/32। देखो ये तो x मिल गया, राइट, ओके तो y कैसे मिलेगा यहाँ पर, देखो यहाँ से, अब देखो y, अब ये x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो y मिल जाएगा आपको। सो y आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देखो ठीक, यहाँ से y आपको मिल जाएगा दिस, राइट, ये आपको मिल जाएगा 3/4, राइट। तो पॉइंट आपको मिल गया 41/32 एंड y इज इक्वल टू 3/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब बहुत इजी है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो बच्चों क्या हो जाएगा y-y1 क्या है 3/4,
इक्वल टू स्लोप क्या है, देखो यहाँ से स्लोप फाइंड आउट किया था, स्लोप क्या है टू, अरे लाइन का जो स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप है क्योंकि पैरेलल है, टू एक्स माइनस 41/32 राइट ना, ये हाँ रुको 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 रुको, यहाँ पर देखो 48 होगा ये, दिस इज अ 48 16 थ्री इज अ 48 सॉरी ठीक है 48 सो दिस इज अ 48 ओके। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लोगे दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओके। तो वेरी इजी प्रॉब्लम था बच्चों ठीक ना, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इसका सोल्यूशन लेते हैं, 26 सोल्यूशन। अब आपको क्या गिवन, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x² - (+) 3 sin x ठीक है, ये y इक्वल टू 2x² + 3 sin x किस पॉइंट पे निकालना है, एट x इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे लोगे, पहले तो dy/dx निकालो, सो dy/dx क्या हो गया आपका 4x + 3 cos x राइट। अब यहाँ से ले लो स्लोप ऑफ नॉर्मल, चलो बताओ कमेंट करके जल्दी से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, फॉर्मूला -dx/dy ऐसा ना, -dx/dy सो माइनस ठीक, इसका रिस्प्रूव कर लो 4x + 3 cos x ओके। अब इसको पुट कर दो यहाँ पर एट x इक्वल टू 0 ठीक है, पुट कर दो यहाँ से पुट करो 0 और ये क्या हो जाएगा cos 0 1 -1/3 दिस -1/3 बच्चों कौन सा आंसर सही होगा, डी, वेरी इजी प्रॉब्लम ओके। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 6.3 इसके जो इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, अगर आपको कोई डाउट हो कोई और क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट में मुझे करके बता सकते हैं ठीक है ओके। कमेंट में आप बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा ओके बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू वेरी मच।